हेलो ब्रो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, अक्सर आपने म्यूज़िक सुनने की बहुत आदत होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा म्यूज़िक सुनने में, लेकिन कभी गौर किया है कि ये म्यूज़िक कैसे बजता है? आखिर ये वॉइस निकलता कहाँ से है? आखिर ये साउंड निकलता कहाँ से है? पुराने टाइम में जो स्पीकर्स होते हैं उसमें भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही यहाँ पे जी इसकी जो इंटरनल मैकेनिज्म आप देख सकते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस मैकेनिज्म में, यहाँ पे इसको कहते हैं सिंपल पेपर, कॉटन पेपर कहते हैं इसको। ये होती है बेटा कॉयल, कॉइलिंग होती है जिसके ऊपर कॉपर की वायर की वाइंडिंग होती है, बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिसाइजली वाइंडिंग होती है इसके ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डैम्पर। इस डैम्पर का काम होता है कि जो कॉइल है जब वो जंप जैसे जैसे अब सब साउंड ना, तो ये जी जब के अंदर चला जाता है, तो ये कॉइल जो होता है पूरा मैग्नेटिक मैग्नेट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से अगर ये कंटिन्यूसली वहीं पर रह जाए तो वॉइस नहीं निकलेगी। तो ये जो डैम्पर होता है इसको फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। और जो पेपर है इसका काम है कि एक कॉनिकल फ्लैश की तरह हमने एक तो ऑब्जर्वेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से साउंड एकदम इन्हीं डायरेक्शन में बाहर निकलता है। और इसके साथ एक ऊपर कैप नुमा ऐसे टाइप का कैप लगा होता है, जैसे आप देख सकते हो इसमें, जैसे मैंने पिछला स्पीकर दिखाया है इसमें कैप लगा है, इसमें कैप लगा है। इसके लगाने का मेन ये है, मेन पॉइंट ये है कि ये जो कॉइल होती है ये बिल्कुल आउटर में होती है। अब अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल जाएगा तो अंदर अप एंड